अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मुबारक हो, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। क्या? मुझे पूरा यकीन था कि आप जाएंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्या उसे मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं? मोहब्बत मरती कहाँ है, ये तो हर पल हर ख्याल में जिंदा रहती है। फिर तो आपके दिल में भी सौलिया के लिए मोहब्बत जिंदा होगी। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरे का शौहर हो गए भाई। दूसरी बीवी भी हो सकती है लेकिन मोहब्बत का मुकाम तो अपना अपना है ना। आप भी तो एक ही कॉल पर बदल जाते हैं, बस नाम बिल्कीस होना चाहिए। उसकी वाकई तबीयत खराब है, उसके दिल की एक वेन बंद है। अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं भूल जाऊंगी फुरकान को। लेकिन हमने हाँ कर दी है। दिल से? हाँ, दिल से। सोनिया यहाँ आ रही है? हाँ, ज़ारा यहाँ से जाना चाह रही थी, कह रही थी हम अपने घर जाके रहेंगे, लेकिन मैंने कहा तुम दोनों यहाँ रह सकती हो। सोनिया आ रही है और तुमने मुझे बताया तक नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है कि आप सोनिया को पसंद नहीं करते। लेकिन वो मेरी साली तो है, एक रिश्ता तो है मेरा उससे। वो रिश्ता तो आपके ना बताने से भी कायम ही रहेगा। क्यों बुलाया उसे? ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। ज़रा तुम्हारा ये रवैया तकलीफ दे रहा है मुझे। मुझे तो जैसे आपके हर रवैये से बहुत खुशी मिलती है। ज़रा ये क्या हो गया तुम्हें? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? जब इंसान किसी को समझ जाता है ना तो फिर लहजों में मिठास नहीं रहती। तुमने गलत समझा है मुझे। ऐसे क्या समझाया तुमने? यही ना जो सोनिया ने तुम्हें पढ़ा है, या के ये कि मेरे बच्चे का झूठ बोल दिया है, बस यही नजर आता है ना तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए बिल्कीस को पहले दिन से झूठ बोलता आ रहा हूँ, लड़ता आ रहा हूँ उससे। तुम्हारी वजह से मैंने घर छोड़ दिया, पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ तुम्हें पता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज़ारा कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और अगर पहले ही दिन बिल्कीस के कहने पर तुम्हें तलाक दे देता ना तो आज सब कुछ नॉर्मल होता मेरी लाइफ में। जितने तूफान से आए ना मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जुबैर भाई, आप कहीं जा रहे हो? यार बेजार हो गया भैया, थक गया उन लोगों को यकीन कराते कराते। मैं निकलना चाहता हूँ इस चक्कर से। अब किस बात पर बहस हुई आपकी? बात कोई ख़ास नहीं, बस हर बात पर होती रहती है। फिर भी सवाल आ रही है इसलिए? असल में तो उसी ने इसका दिमाग ख़राब किया है, शुरू से वो यही कर रही है। इसको उकसाती है और ये उसकी बातों पर आ जाती है। लेकिन ज़ारा किसी की बातों में आने वाली है तो नहीं? तो उसे समझे नहीं हो इसलिए। लेकिन सोनिया को मैं जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर है। इसका मतलब है कि जो वो कहती है वो ठीक है? उसका ठीक भी हमारा गलत हो सकता है, लेकिन जितना मैं सोनिया को जानता हूँ वो गलत नहीं हो सकती। तो अगर सोनिया को समझे होते तो हालात अभी ऐसे नहीं होते। मुझे हैरत है तुम अब भी इस पर एतबार कर रहे हो कि एक बहन से धोखा खाए और दूसरी की बातों पर आ रहे हो। मैं इनके साथ रहता रहा हूँ, मुझे पता है। मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है, मैं आता हूँ। हाँ बस मैं अभी निकलूँगा कुछ देर में, मिलके इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इस सारे मामले में शुएब मैंने एक बात सीखी है, इंसान कुछ भी हो लेकिन उसकी क्लास का असर बहुत पड़ता है। हम दोनों ने धोखा खाया, इन लोग सिर्फ क्लास मिडिल क्लास नहीं है, इनकी मैंटेलिटी भी मिडिल क्लास है। हम भी मिडिल क्लास हैं जुबैर भाई, आप शायद भूल रहे हैं लेकिन मुझे याद है हमारी क्लास मिडिल थी, तुम्हारी सोच मिडिल क्लास से ही थी, वरना हम हिंद की तरह होते। लगता है अभी तक फाइट लैंड नहीं हुई।
हेलो। हाँ सौलिया, फ्लाइट लैंड हो गई? बस ड्राइवर पहुंच ही रहा होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले तुमने मुझे भी मना कर दिया आने के लिए, अब तुम ड्राइवर का भी मना कर रही हो। अच्छा बाबा ठीक है, तुम आ जाओ खुद ही। अच्छा सुनो, शुएब कह रहा था कि अगर कोई मसला है तो वो चला जाता है यहाँ से, लेकिन वो यही चाहता है कि हम लोग इसी घर में रहें। तुम आ जाओ, हम आराम से बात करते हैं फिर इस बारे में, ठीक है? बस सही है, जल्दी से पहुंचो। ओके बाय। साहब, आज बहुत दिनों के बाद आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि मेरे खुश होने की वजह आ जा रही है, उसको मैंने काफी अरसे से नहीं देखा, वो भी मुझे बहुत टाइम बाद देखेगी। मैं चाहता हूँ वो मुझे जब देखे तो उसे सब याद आ जाए। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, बस अब मैडम को जाने मत दीजिएगा। वो रुकने के लिए नहीं आ रही। तो आप रोक लीजिएगा ना। तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता। अच्छे लग रहे। थैंक यू। वो ज़ारा बता रही थी कि वो निकल गई एयरपोर्ट से। अच्छा, खुश हो? जिससे इंसान प्यार करता है उसे देखने के लिए तड़पता भी है, और देखकर खुश भी होता है। और ये सब मेरे इख्तियार में नहीं, और झूठ भी नहीं बोलूंगा। तुम झूठ बोलो भी तो लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। आज तुम नए शुएब लग रहे हो। उसका इंतजार करते करते निखर गया हूँ, ऐसा ही है ना? हाँ, तुम्हारे लफ्जों में तो ऐसा ही है। और हकीकत? हकीकत तो हम जानते ही हैं। देखो, अब हमें ये भी नहीं पता कि वो किस सिलसिले में आ रही है। ये भी हो सकता है कि शायद फरकान से मिलने आ रही हो। वो ज़ारा के कहने पर आ रही है। देखो यार, अगर उसे ज़ारा से मोहब्बत होती ना तो वो जाती भी नहीं। उसे तो पता था कि ज़ारा का बच्चा भी होने वाला, एक दो दिन रह गए थे। अगर उसे अपनी बहन से इतनी मोहब्बत होती तो वो रुक जाती, कम से कम बच्चे को तो देख लेती। और अब बहन की एक फोन कॉल पर आ रही है, तो ये ड्रामा समझ नहीं आ रहा। क्या ड्रामा होगा आपके ख्याल में? तुम्हें वाकई अंदाजा नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। फुरकान से मिलना पड़ेगा, लेकिन शायद वो अभी बिजी। भाई जाहिर है उससे अपनी बहन को ही मना किया एयरपोर्ट आने से, तो कोई तो उसे लेने आ रहा होगा ना। और देखो, मुझे पूरा यकीन है कि फुरकान के अलावा कोई नहीं उसे, तो उसके पास गाड़ी भी है। तो आपके ख्याल में फुरकान से मिलने आ रही है? वैसे यार, तो उसे तो मिलने वो आ नहीं सकती, बहन की तो उसे कभी परवाह रही नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों रुकेगी? तो वे भी बेवकूफ़ बनाएगी ना। ये सारी कहानी में सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाई जा रही है। कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे ज़ुबैर भाई? मुझे इस बात की परेशानी होती है, क्लियर करें किस तरह। देखो यार, मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन तुमने मानना तो है ही नहीं। और यार, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ये कोशिश करता क्यों तुम्हें समझाने की। तुम मानो ना मानो, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन यार फिर मैं सोचता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, बहुत लाड से पाला है मैंने तुम्हें। और तुम सच पूछो, अगर तुम्हें कोई बेवकूफ़ बनाए ना तो मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है। मैं इसलिए बार बार तुमसे पूछता रहता हूँ। क्या फुरकान इस बात की तस्दीक करेगा? पता नहीं। तो क्या हम खुद से अज्यूम कर लें?
नहीं, अगर तुम वॉर करो तो पता चल जाएगा। वैसे मैं फुरकान से अपने तौर पर जानने की कोशिश करता हूँ। पूछे उससे आप। हाँ यार, पूछ लूंगा, लेकिन अब वो इतना बच्चा भी नहीं है कि मेरी भाभी को एयरपोर्ट से पिक करेगा और मेरा फोन भी उठा लेगा। हाँ यार, इतनी सेंस तो सब में होती है शुएब, मैं जरा तरीके से पूछूंगा। और यार वैसे ही मैं सोच रहा था, जब तक वो यहाँ है तो मैं मिल्कीज़ के साथ ही रहूँगा। क्यों, ये आपका भी घर है, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ आपसे। यार मुझे उसकी नेचर का पता है ना, कभी वो ज़ारा को भड़काएगी, कभी कुछ बोलेगी, और ये भी मुमकिन है कि वो तुमसे भी कोई उल्टी सीधी बात कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपका भी घर है, आप जब चाहें आएँ और रहें। वो तो ठीक है शुएब, लेकिन वो औरत बहुत ख़तरनाक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ज़ारा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो उससे तो बेहतर है। तो फिर आप ज़ारा पे गौर करें, सॉलिह को इग्नोर करें। हाँ यही सोचा है मैंने। मैं गौर करूँगा जैसा आपने कहा है, आप भी फुरकान से पूछने की कोशिश कीजिएगा। बेफिक्र रहो। सुबैर जी, जब कोई मुझसे ऐसा कहे ना कि तुमने गलत किया, तो ये मेरी कमजोरी है कि मुझे गलत ही लगने लगता है, लेकिन अब पता नहीं मैं गलत हूं या नहीं। मैंने जैसे कहा है, तुम तसल्ली रखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलती मेरी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ, वरना अगर मैं बिल्कीस की बात मान लेता तो ये हालात ही पैदा ना होते। मैं हर वक्त क्यों कसम खाता फिरूं अपनी मोहब्बत और अपनी मजबूरियों की। आप कल यूं एकदम से चले गए, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आपने बस शुरू से बिल्कीस को इम्पोर्टेंस दी है और मुझे इग्नोर किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे तवक्को हुई थी कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार चीज़ें मेरे भी बस में नहीं होती। ज़ारा सब कुछ तुम्हारे बस, बस इतनी नफरत मत किया करो मुझसे। मान लिया मैंने कि मैंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया। तुम इससे इतनी नफरत करने लगी हो, मुझे यूँ लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं हूँ। मेरी तुम्हारी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं रही। इसी अहमियत का तो मुझे अफसोस है ज़ुबैर, जो आप मुझे नहीं देते। उसको तसल्ली और दिलासों के अलावा कुछ नहीं देता, मुखलिस में तुम्हारे साथ हो। खैर देखिए, सॉलिह वापस आ रही है, पहले जो कुछ भी हो चुका है उसे भूल जाए। मैं चाहती हूँ कि अब सब नॉर्मल रहे। आपके दिल में जो भी बातें सॉलिह को लेके, वो सब निकाल दें, उसको भी यही अच्छा लगेगा। मैंने कभी भी कोई सॉलिह के मुतल्लिक बात दिल में रखी नहीं है। ये सब उसने फैलाया होगा या तुम्हें लगता है। खैर मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहती हूँ, बस आपने ख्याल रखना है कि कोई भी गलत बात ना हो। मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहो, लेकिन हाँ उससे कहना कि हमारे दरमियान कोई दीवार खड़ी ना करे, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा ये बताओ कि वो वैसे आ क्यों रही है? बस उसकी कॉल आई थी मुझे, तो मैंने उससे जज्बाती होकर कह दिया कि तुम आ जाओ वापस, बस वो आ रही है। अच्छा तो मेरे खिलाफ बुलाया तुमने उसे? आपके खिलाफ क्या बुलाना ज़ुबैर, मैं तो खुद बहुत अकेली हो जाती हूँ जब आप बिल्कीस के पास चले जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उसी के हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है ज़ारा, मैं उसके साथ होते हुए भी तुम्हारे पास रहता हूँ। क्या पता आप हम दोनों को यही कहते हो। ज़ारा पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करती थी। वक्त के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। Thank you.
मैडम बीबी जी आ गई। आ गई सौर्या, चलो। अब मैं आ गई हूँ ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सौर्या, बहुत ज्यादा। मैं भी बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए, बल्कि खुद को कोसती रही कि मैंने तुम्हें छोड़ा ही क्यों वहां पर, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कभी गई नहीं थी। चले, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है जारा, इस घर के अंदर कैसे दाखिल हो, हम कहीं और नहीं जा सकते। क्या हो गया सौर्या तुम्हें? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे शेव के साथ, ये घर तुम्हारा ही है। जब घर के मालिक को यकीन नहीं रहा मुझ पर, वो ही मेरा नहीं रहा, तो इस दरो दीवार पर कैसे हक जताऊं अपना। वो तुम्हारा ही है और अभी भी तुम्हें देखने के लिए बहाने से अंदर बैठा हुआ है। मुझे देखने के लिए आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, बहाना बना दिया उन्होंने। अच्छा अब चलो भी, चलो आ जाओ। सौर्या चलकर आराम कर ले। बहुत परेशान, मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ और हमेशा अपने साथ। कितना दिलकश जाल बिछा। तुमने देखा किस हसरत की नजर से वो तुम्हें देख रहा था? उसमें शिकवा भी तो था, हालांकि उनका कोई शिकवा तो बनता भी नहीं था, सारे शिकवे तो मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वही समझा जो मैं नहीं थी। इतना अरसा उनके साथ रही लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं पाए और बस लोगों की बातों में आ गए। ये सारी बातें मैं बहुत बार कर चुकी हूँ उससे, लेकिन एक बात मैं अभी भी तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ कि वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। बस वो ये चाहता है कि किसी तरह से उसे यकीन आ जाए इस बात पर कि तुमने उनसे कोई बेवफाई नहीं की है। और ये यकीन कौन दिलाए उन्हें? यही ना, क्योंकि मेरी किसी बात पर तो उनको यकीन है ही नहीं। देखो सौर्या, बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनको सुनकर यही लगता है कि तुम कसूरवार हो। उसमें शेप की गलती नहीं है, अगर शेप की जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। शक करे मुझ पर, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझ पर भी तो यकीन करे ना। शक का मतलब तो शक ही होता है, अगर मैं उनको कुछ कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है तो उनको मुझ पे यकीन तो होना चाहिए ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये भी सच है कि फुरकान भी तुम्हारे खिलाफ जाकर बोलता ही रहा है,
जबकि तुम्हें लगता था कि वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ यकीनन वो मेरी ही गलती थी क्योंकि मैं जुबैर को भूल गई थी। अगर ये बात याद रखती तो समझने के लिए ये बात काफी थी कि वो मुझे सिर्फ बदकिरदार साबित करने की कोशिश में लगा हुआ था। सच बताओ सौलिया, मैं भी आज तक जुबैर को नहीं समझ पाई। कुछ लोग रिश्ते निभाने में इतने अच्छे एक्टर होते हैं कि आप उन्हें कभी समझ ही नहीं पाते। जुबैर भी इसी तरह। पता नहीं क्या है, जब मैं सोचती हूँ उनसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनका कोई कसूर ही नहीं है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। इंसान बहुत फरेब खाता है जब वो मोहब्बत करता है ना, यही होता है। पूरी दुनिया को सच्चाई नजर आ रही होती है लेकिन जो मोहब्बत करता है ना उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है भले कोई कितनी धूल क्यों ना झोंकता रहे। तुम ठीक कह रही हो सौलिया, कि मैं एक बात सोचती हूँ। क्या? तुम एक बार फिर से कोशिश तो करो शुएब को सब कुछ सच बताने की। नहीं, बहुत कर चुकी है सब। खुद को गिरा कर भी ये सब साबित करने की कोशिश की लेकिन अब नहीं। इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई, किसी को सफाइयां पेश करने नहीं। देखो वो तुम्हारा शौहर है। ये तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा रहे मेरे मरते दम तक, और उसे ये यकीन रहे कि अगर मैं उसके निकाह में मरी तो उसी की रही और उसी की थी। तुम क्यों जिद कर रही हो सौलिया? प्लीज सारा, मैं ये सब सुनने नहीं आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम सिर्फ मुझसे अपनी बात करो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ।